हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बिल वी लर्निंग आज के बिजनेस के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते अपना स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स effectively and efficiently। अगर हमें मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करना है तो हम एक शब्द में अगर हम डिफाइन करें तो वो है हमारी मदर आप अपनी मदर को देखिए वो क्या करती हैं पूरे दिन वो पूरे घर को मैनेज करके चलती हैं घर को सबसे टाइमली सबको टाइमली सुबह के टाइम लंच प्रोवाइड करना सो so, दोपहर का नाश्ता वो सुबह का नाश्ता बनाना लंच बना करके देना दोपहर का मील बना करके देना शाम का नाश्ता करना फिर उसके बाद में रात का डिनर आप लोगों को देना ऑन टाइम और कौन सा सामान कहाँ रखा है प्रॉपर घर की लॉन्ड्री चेक करना और इवन ग्रॉसरीज भी मैनेज करके चलना ये सारा काम कौन करता है हमारी मदर ही तो करती हैं ठीक तो वो किस तरीके से मैनेज करती है कि वो अपने मतलब उनको तो एक अमाउंट दे दी जाती है ना कि आपको इतने के अंदर ही पूरा घर मैनेज करना है इस वन मंथ के लिए ठीक है तो उस अमाउंट के अंदर वो अपने घर को जिस तरीके से रन करती हैं ये उनका मैनेजमेंट है है ना उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं इसी तरीके से अब हम मैनेजमेंट को अगर हम समझें तो मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपना काम आ, करवाते हैं लोगों के ज़रिए ठीक है अगर इसे हम डिफाइन करें तो यहाँ पे सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो एक ऐसा प्रोसेस होना जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अब ये एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली होता क्या है इस वर्ड को समझने के लिए हम आगे देखें तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट पहले पढ़ लेते फिर हम उनके बारे में समझते हैं तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है ये क्या दे रखा है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरमेंट ये कैरेटिन ने आ, डेफिनेशन दी है उन्होंने ये बताया है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस ऑफ वर्किंग है जिसके ज़रिए हम लोग अपने सभी गोल्स को अचीव करते हैं इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली और जो कि हमारे रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्सेज है उन्हीं के जरिए यानी कि हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लेकर के आ रहे हैं कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं ये थी कैरेटिन की डेफिनेशन चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहता है तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हैं प्रोसेस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी प्रोसेस क्या कहता है प्रोसेस रिफर्स टू दी प्राइमरी फंक्शंस लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट टू गेटिंग थिंग्स डन कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मैनेजमेंट में प्रोसेस नहीं चलेगा तो वो मैनेजमेंट पूरा रन कर ही नहीं पाएगा यानी कि कोई भी काम करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में हम लोग इसके बाद जो चैप्टर दो चैप्टर्स के बाद जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे वो प्रोसेस के ऊपर ही पढ़ेंगे तो तब हम उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेकिन प्रोसेस का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी काम रन करता है तो स्टेप बाय स्टेप रन करता है यानी कि सबसे पहले अगर प्लानिंग है तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं किसी भी चीज़ को कि हमें काम करना कैसे है देन फिर हम उस चीज़ और जो हमने प्लान कर रखा था उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं ठीक है जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पहले हम उसके बारे में पूरा प्लान करेंगे कि हाँ भाई इस फंक्शन इस फंक्शन के लिए या यहाँ इस प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना है हमें ये ये चीज़ें लानी होंगी हमें ये ये डेकोरेशंस करवाने पड़ेंगे ऐसा सिस्टम बैठाना पड़ेगा है ना देन फिर जब टाइम आता है तब आप उस चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हो फिर अलग अलग लोगों को वो अलग अलग काम देते दे थे कि तुम भाई यहाँ पे ये करना तुम बैलून्स फुलाना तुम ये डेकोरेशन करना तुम ये कार्ड्स बनाना तुम इस तरीके से परफॉर्मेंस करना तो ये स्टाफिंग हुई ना फिर एक पर्सन होता है जो पूरे उस फंक्शन को चेकआउट करता है यानी कि पूरा देख रेख करता है कि हाँ सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं जैसा बोला गया था वैसा काम हो रहा है कि नहीं भाई अगर बोला गया था कि हाँ क्या नाम है फ्लावर्स स्टेज पर बिछे होने चाहिए तो फ्लावर्स अभी तक कि आए के आए कि नहीं आए बिछे कि नहीं बिछे अगर बोला गया था कि सभी जितने भी लोग आएंगे उन सब को ग्रीटिंग कार्ड दी जाएगी एंट्री के टाइम वो सब प्रोवाइड हुई कि नहीं हुई वो कार्ड सारे आ गए कि नहीं आ गए है ना तो ये सारी जो देखता है या बताता है कि ऐसा ऐसा करना है वो क्या हो गया डायरेक्टिंग हो गया और जब आप उसी की देख रेख करते कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्लान से आप जब चेक करते हो तो वो कंट्रोलिंग स्टेप हो गया तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम हुआ ना आपने पहले प्लानिंग करी जब प्लानिंग कंप्लीट कर लिए तब दूसरे स्टेप पर आए कि ऑर्गेनाइजिंग करना है जब ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट कर ली तब स्टाफिंग स्टेप पर आए जब स्टाफिंग कम्प्लीट कर ली तब डायरेक्टिंग स्टेप पर आए और जब डायरेक्टिंग स्टेप कम्प्लीट हो गई तब आप कंट्रोलिंग स्टेप पर आए आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस के ऊपर इफेक्टिवनेस सीधे सीधे बात करता है टाइम के ऊपर कि भाई हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि इफेक्टिवनेस मीन्स कम्पलीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिप्यूटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम जैसे कि आप खुद देखो जब आप टेस्ट देने बैठते हो या एग्जाम में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं आपको एक टाइम दे दिया जाता है ना कि आपको ये पूरा पेपर ये तीन चार पेज का जो पेपर आपको दे रखा है इस पेपर को आपको कंप्लीट करना है विद इन दिस आर ठीक या थ्री आर टू आर जो भी टाइमिंग होगी जैसा मैनेजमेंट होती है वहाँ की पेपर होता है उस हिसाब से वो उसका टाइम शेड्यूल करते हैं तो जो भी टाइम होता है उस टाइम के अंदर ही तो आपको क्या करना है उस पेपर को कम्प्लीट करना है ना उससे एक मिनट ज़्यादा नहीं अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना लॉस करेंगे राइट और अगर उसके अंदर कर ले रहे हैं इट मीन्स आपके पास मैक्सिमम टाइम है उस चीज़ को चेकआउट करने का अब देखिए इसी तरीके से आ, हमारे बिजनेस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई भी आ, प्रोडक्ट बनता है या कोई भी प्रोडक्ट की ऑर्डर ऑर्डर दिया जाता है तो उसको हम चाहते कि ये काम इफ़ेक्टिवनेस के साथ हो अगर हमने कोई ऑर्डर दिया है हमने कोई भी काम दिया है तो हम चाहेंगे कि ये काम ये टास्क कोई भी टास्क है ये टास्क हम टाइम के अंदर अंदर ही अचीव कर लें अगर हम टाइम के अंदर ही अचीव कर लेंगे तो वो हमारे लिए एक इफ़ेक्टिवनेस कहलाएगा कि हाँ हमारा मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवनेस के साथ काम कर रहा है ठीक है एफिशिएंसी क्या कहती है एफिशिएंसी कहती है कि मिनिमम कॉस्ट लगे यानी कि ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल ना हो ये खैर हम सब के अंदर ये चीज़ होती है हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम चीज़ों कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमें मिलने की या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें मिल जाए यानी कि कोई भी अगर महंगी चीज़ है तो उसकी हम कम वैल्यू लगाने की कोशिश करते हैं कि पैसे मेरे कुछ बच जाए ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े किसी चीज़ पर राइट right? तो उसी को एफिशिएंसी कहा गया है यही चीज़ हमारे मैनेजमेंट में भी अप्लाई होती है कि हमें कोई भी अगर हम कोई टास्क कर रहे हैं तो उस टास्क में हमें ज़्यादा पैसे या ज़्यादा रिसोर्स ना खर्च करने पड़े कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम निकाल सकें और टाइम के अंदर वो काम कर सकें तभी हम बोलेंगे कि ये हमारा परफेक्ट मैनेजमेंट रन कर रहा है आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसीज को और समझने के लिए इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की मीनिंग क्या है मीनिंग है इफ़ेक्टिवनेस की इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम इफेक्टिवनेस बात करता है कि काम समय पर खत्म हो जाए और एफिशिएंसी बात करता है कि काम हमारा सही से ख़त्म हो और कम से कम कॉस्ट में खत्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिले दूसरे शब्दों में अगर आसान शब्दों में हम समझाना चाहें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को तो इफ़ेक्टिवनेस कहता है कि इसका सिंपल मतलब होता है थिंग्स के ऊपर चीज़ों को लेकर और एफिशिएंसी का सीधे जो मतलब होता है वो होता है कॉस्ट को लेकर के और इफ़ेक्टिवनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो अपने रिजल्ट अपने गोल को अचीव कैसे करें टाइम के अंदर या टाइम पर और एफिशिएंसी का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हम हमारे वेस्टेज ऑफ टाइम को कम करें और कम से कम हम एफर्ट्स लगाएं या एफर्ट्स यानी कि कॉस्ट कम से कम कॉस्ट लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम निकालें और इफ़ेक्टिवनेस का मेन फोकस और टाइम पर होता है और एफिशिएंसी का मेन फोकस कॉस्ट पर होता है आई होप आपको ये भी टर्म क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो देखिए सबसे पहला कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है यानी कि बिना मोटिव तो रन करा ही नहीं जाता कोई ना कोई मोटिव होगा जिस मोटिव से ही हम ये काम कर रहे हैं ठीक है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टार्टेड गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एक्सिस्टेंस मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है हमारी जो मैनेजमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंपली कुछ गोल्स सेट कर लेते हैं कि हमें इन्हीं गोल्स को अचीव करना है जब ताकि उसी रीज़न से आप क्या करते वही एक्टिविटीज़ रन करते हैं आपके अंदर एक वो रहता है प्रेशर रहता है कि हाँ हमें ये गोल अचीव करना है तो हमें डिसिप्लिन ये काम करना ही करना है ठीक है उसके लिए हमें ये एफर्ट्स डालने ही डालने होंगे ओके मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव ऑल परवेसिव का मतलब हो गया कि मैनेजमेंट कॉमन है सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक अब वो वो चाहे जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही रन करे ये किसी भी पॉलिटिशियन uh, में भी मैनेजमेंट रन करता है किसी भी सोसाइटी में भी रन करता है किसी आप अपने घर में ही देख लीजिए अपने घर में देख लीजिए आपके वहाँ भी एक मैनेजमेंट रन करता होगा कि हाँ भाई इस इतने बजे तक के सबको घर आ जाना है इतने बजे तक खाना लग जाएगा सबको खाना खा लेना है सुबह इतने बजे उठ जाना है या रात में इतने बजे तक सो जाना है ठीक है ये कुछ टाइम मैनेजमेंट हो गया इसी तरीके से हम लोगों को कुछ डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर ही आती हैं आई होप आपको ये टर्म भी क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट टर्म uh, है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल तो मल्टी डायमेंशनल एक कॉम्प्लेक्स है कुछ एक्टिविटीज़ का यानी कि uh, इसे मिक्सचर भी बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्टिविटी अब इसमें तीन मेन डायमेंशनस uh, आते हैं तीन चीज़ों के ऊपर बात करी गई है मैनेजमेंट ऑफ वर्क मैनेजमेंट बाय पीपल मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ़ वर्क क्या कहता है मैनेजमेंट ऑफ़ वर्क कहता है कि यहाँ पे हम कोई भी काम कर रहे हैं मतलब अगर कोई भी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो काम करके ही वो करेंगे किसी ना किसी काम के लिए वो मैनेजमेंट करा जा रहा है और मैनेजमेंट जो है वो लोगों के ज़रिए ही हो सकता है अकेले नहीं हो सकता और मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन यानी कि हम कोई ना कोई प्रोसेस के ज़रिए यानी कि इसका कोई मोटिव होता है उस हिसाब से हम वो काम करते हैं आई होप आपको यह टर्म भी क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है यानी कि यह कभी भी एक बार नहीं परफॉर्म किया जाता इसे रेगुलर यानी कि टाइम टू टाइम परफॉर्म करना ही करना है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी ये ग्रुप एक्टिविटी है यानी कि अकेले आप इसे नहीं कर सकते यहाँ पे जो गोल सेट करे जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दो या दो से ज़्यादा लोग तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे उस काम को करने के लिए मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन ये डायनेमिक दायम, फंक्शन भी है यानी कि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सकता है ठीक है ये सिचुएशन के हिसाब से इसे चेंज करा जाता है चेंज करा क्या जाता है इसे करना ही पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सबको पता है सुबह के टाइम उठ करके स्कूल जाना है जो बड़े लोग हैं वो लोग ऑफिस जाएंगे जो आपके आ, आपके सिबलिंग्स में जो बड़े हैं वो कॉलेज जाएंगे जो कॉलेज वाले बच्चे हैं जो स्टूडेंट वाले हैं वो स्कूल जाएंगे मतलब सब अपने काम पर निकल जाना है लेकिन अब इतनी ज़्यादा बारिश दो तो दिन से लगातार हो रही है जिसकी वजह से रेड अलर्ट जारी जारी हो गया या बोल दिया गया कि दो दिन के लिए सभी कॉलेजेस सभी स्कूल या सभी ऐसे वर्क्स बंद करे जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है है ना तो डायनेमिक चेंज आया ना अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था आज के दिन लेकिन आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा तो ये क्या हो गया डायनेमिक फंक्शन हुआ ये मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है ये अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में तो वो अपने मैनेजमेंट को चेंज कर लेता है उस हिसाब से ठीक मैनेजमेंट इज एन इंटेंजबल फोर्स ये एक इन फोर्स है इट मीन्स इसे आप देख नहीं सकते बस आप बाय देयर वर्क बाय देयर फंक्शन uh, आप इसे फील कर सकते हो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गया होगा सो so, ये था हमारा पार्ट वन जिसमें हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं अब लोग हमारे पार्ट टू में बात करेंगे इसके कुछ अदर टॉपिक्स के ऊपर आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीवी लर्निंग थैंक यू